मॉल में हूँ जहाँ बहुत अच्छा कोरियन बारबेक्यू मिलता है और यहाँ पे लाइव बारबेक्यू होता है ऑन द टेबल। और क्योंकि यहाँ पे लाइव बारबेक्यू इसके लिए होता है क्योंकि जो इनका जो बारबेक्यू मैरिनेशन होता है वो बहुत लाइट होता है और इसके लिए वो लोग टेबल में करते हैं, और हमारे यहाँ का जो होता है मैरिनेशन बहुत हार्ड होता है, बहुत हैवी होता है, तो इसके लिए हम लोग लाइव ऑन द टेबल नहीं कर सकते। तो चलता हूँ मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कोरियन बारबेक्यू कैसा होता है, चलिए मेरे साथ अंदर। ये यही कोरियन बारबेक्यू है मैं आपको जिसकी बात कर रहा था, तो अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज बहुत ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेजियन वालों के लिए बहुत कम ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे उनको वेजिटेबल्स खाने को मिलेगा। अगर आप नॉन वेजियन हो तो जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा आपके पास, जैसे बीफ रहेगा, चिकन रहेगा, पोर्क रहेगा, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए आपको मशरूम्स, ब्रिंजल्स और ये सभी मिलेंगे। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा। देखो ये सब आपको नॉन वेज ही है इसमें, देखो ये सब नॉन वेज है, सब नॉन वेज का ऑप्शन है। तो मैं अभी वेजिटेरियन ऑर्डर करूँगा। अभी मैंने अपने लिए वेजिटेबल्स ऑर्डर किए हैं क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बीफ हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। तो मैं अभी ये बताऊँगा आपको। ये कोरियन कॉन्डिमेंट्स है और स्पाइसिस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलड्स रखे हुए हैं, ये कोरियन चिली है, चिली फ्लेक्स है, कोरियन चिली फ्लेक्स, और ये इनका सब है। ये मैंने अपने लिए सैलड ऑर्डर किया, ये सैलड है और ये लेंटिल्स एक टाइप का दाल का सूप है ये, और ये पीनट्स है, और ये पिकल है, पिकल वेजिटेबल्स है, ये क्या बोलते हैं, ये मुअर बोलते हैं यहाँ पे उसको, ये ब्राउनिश फंगस है, और ये ड्रेसिंग है इनका, और ये मैंने मशरूम ऑर्डर किया, ये रहा मेरा। ये बंदा मेरे वेजिटेबल्स को ग्रिल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक ग्रिलर है, सो ये एग्जॉस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जॉस्ट है, धुआं होएगा तो ये उसको ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका उतना मैरिनेशन नहीं होता है, सिर्फ इसके लिए वो लोग लाइव करते हैं। देखो स्लाइटली स्मोक है जो एग्जॉस्ट के अंदर जा रहा है, तो इतना कुछ इसका नहीं है। देख सकते हैं ये गोचीदारू है, ये कोरियन चिली है जिसका फ्लेवर थोड़ा सा फ्रूटी होता है, थोड़ा सा स्मोकी होता है, तो स्लाइटली स्वीट एंड स्पाइसी होता है, लेकिन उसमें स्पाइसी नहीं होता जितना अपना इंडियन स्पाइस, इंडियन चिली का स्पाइस होता है। सो वो ओके है, इतना स्पाइस नहीं है, लेकिन ये बहुत फेमस है कोरियन में, अगर कोरियन स्पाइस में देखा जाए तो। अगर आप देखा जाए तो कोरियन फूड भी थोड़ा स्वीट होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है और थोड़ा बहुत टेस्टी होता है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उसके वेजिटेबल्स में यही खा रहा हूँ, कुकुम्बर खा रहा हूँ, कैरेट्स खा रहा हूँ और ये सब खा रहा हूँ, सो मेरे लिए ओके है।
ये मेरा खाना हो गया। अगर आपको आज के वीडियो और आप कोरियन बारबेक्यू बोल सकते हो, अगर इसमें कुछ आपको यूनिक और कुछ डिफरेंट सा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।